अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हसन नगर शिफा उल्ला ओल्ड एज होम को लेकर। शिफा उल्ला ओल्ड एज होम में कई लोग जा रहे हैं, गरीब ज़ईफ़ लोग को फ्रूट बांट रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। फ़ोटो खिंचाने के बाद अपने आप को वहाँ का जिम्मेदार इंसान बता रहे हैं और वहीं पर आवाम से पैसे बटोर रहे हैं। ये पैसे बटोरने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो आवाम से अदबन गुजारिश है कि बट्टेबाजों की बातों में ना आए। ये वो लोग हैं जो गरीबों के नाम पर आवाम से पैसा बटोर रहे हैं, तो अदबन गुजारिश है नाजरीन आप सभी से कि इनकी बातों में ना आए। आज सच न्यूज़ की टीम शिफा उल्ला ओल्ड एज होम में पहुंची। पहुंचकर वहाँ के चेयरमैन डॉक्टर खादरी से बात की कि वहाँ के जिम्मेदार जो है डॉक्टर खादरी है, वही 40 ऐसे ज़ईफ लोग हैं जो वहाँ पर एडमिट हैं, जिसमें से थोड़े मेंटल भी है, थोड़ी की उम्र ज़्यादा भी है और थोड़े बीमार हालत में भी है, जिनका कोई पुसाने हाल नहीं है। ऐसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर खादरी। तमाम तफसीलात हम आपको दिखाते हैं और डॉक्टर खादरी की ये न्यूज़ भी हम आपको दिखाते हैं, उनकी उनसे हमने बातचीत की वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। और वहीं पर हमने डॉक्टर खादरी का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया। जिस किसी को भी कुछ फंडिंग करना है ओल्ड एज होम के लिए, वो डॉक्टर खादरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी फंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फजलियत वाला महीना है, रमज़ान का माह मुबारक वाला महीना है। जो कुछ भी लोग अपने पैसे निकाल कर उनको देना चाह रहे हैं तो उनको दे भी सकते हैं। बहरहाल बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर खादरी साहब, हमने जाकर वहाँ का जायज़ा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं ओल्ड एज होम की ये खास खबर। खादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सच न्यूज़ की टीम काफ़ी दिनों से शफीउल्ला एज ओल्ड एज होम्स के बारे में सुन रही थी, लेकिन आप तक हम पहुंच नहीं सके। खैर आज खुसूसी हम पहुंचे हैं आपके ओल्ड एज होम का जायज़ा लेने के लिए। तो हमने बाहर से ये भी सुना है कि कई लोग ये शफीउल्ला ओल्ड एज होम को आते हैं, यहाँ से फ़ोटो खिंचाते हैं और यहाँ के फ़ोटो खिंचाकर दूसरे लोग तक पहुँचाते हैं और वो अपने आप को जिम्मेदार बताकर बाहर से पैसे लेते हैं। इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, लेकिन हमें पता चला है कि असली प्रॉपर्टर, असली ओनर आप हैं यहाँ के, जो कि लोगों की खिदमत करते हैं। तो इस तरह की चीटिंग हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप इन माजूर ज़ईफ लोग की खिदमत किस तरह से करते हैं वो हमारे नाज़रीन को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डॉक्टर खादरी शिफाउल्ला ओल्ड एज होम का चेयरमैन, खिदमत गुजार, जो भी जो है नाम दे सकते हैं, अल्लाह ने एज़ाज़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है रमज़ान से 15 दिन पहले इनॉग्रेशन किया था, ये 13वां साल शुरू हो गया। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारकबादी।
और जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के वजह चल रहे होंगे, अल्लाह उसको कबूल कर रहा होगा। बेशक हमारा यकीन है, ईमान है, हमारी हर हर नेकी हर फर्ज अल्लाह कबूल करेगा। मैं ये खिदमत कर रहा था लेकिन मैं कभी इसका कोई डिक्लेरेशन, कभी कोई इसकी क्लिप, कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया 12 साल से, क्योंकि करोड़ों लोगों में अल्लाह ने अमीर को इस काबिल बनाया चुना। तो मेरा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल रहा शिफा और नर्सिंग होम और ये ओल्ड एज होम दोनों भी। तो यहाँ का माना यही खर्च लेना, यही मेरा जो है कॉन्सेप्ट जिंदगी का अहद कर लिया था। अब जो है ओल्ड एज के इतने बढ़ गए, एक दो आते एक दो का इंतकाल होता, ये तो 10-12 साल से चल ही रहा। लास्ट 3 दिन पहले जिसका इंतकाल हुआ वो 90th वाले थे, जिसकी तदफीन मैं खुद कर चुका हूँ 90 जनों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल हर घर की एक कहानी है। मैं अफसोस से कहता हूँ कि हम नौजवान तबका खासतौर से मुसलमान अपने माँ बाप के मामले में बहुत ख़राब जा रहे हैं। खिदमत करना तो फ़र्ज़ है, नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको अजियत दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह से ख़राब आदमी अच्छा नहीं हो सकता क्या। मैं तो माँ बाप पर ही मेरा उम्मान मेरी काउंसलिंग रहती है, कई जनों को अल्लाह हिदायत दे भी रहा। तो 3 महीने पहले मैं भी हॉस्पिटल बंद कर दिया क्योंकि जो है जगह बस नहीं हो रही थी। 50-60 जने थे तक भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेकर चल रहा था, अब जो है 70 से ज़्यादा लोग हो गए। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ये लोग की खिदमत ही है, क्योंकि 104 के है, 98 के है, 96 के है, तकरीबन जने 80 से ऊपर के है और बेड के पेम्पर के हैं। चलते फिरते तो कैसा भी गुजार लेते, बिस्तरा पकड़े बाद असल औलाद के लिए ख़ानदान वालों के लिए इम्तिहान का वक़्त रहता और वहीं हम फेल हो जाते, वहीं पर जो है हम नाकाम हो जाते। अल्लाह हिदायत दे हम सब भाइयों को अपने माँ बाप की अहमियत फजीलत दर्जा समझ लेंगे। तो मैं हॉस्पिटल बंद कर दिया तो मैं मेरे दोस्तों से कुछ शेयर किया कि भैया साहब खर्चा तो 3.5-4 लाख का है महाना, लेकिन एक्सपेंस इनकम बंद हो गई। तो उसमें से कोई एक मेरे चाहने वाले क्लिप वायरल कर दिए मेरी तरफ से, वो कई जनों तक इतना पहुँच गई, कई जने आ रहे हैं कुछ कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी माफ़ कर रहे हैं। लेकिन इसका मिसयूज़ हो जा रहा है, कई लोग खाना खिला के फोटो लेके या हम ओल्डेज चला रहे हैं कर रहे करा रहे हैं, ऐसे 8-10 जने तो पकड़े गए मेरे को और अल्लाह आलम कितने जने ऐसा कर रहे हैं। तो खतई जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बुढ़ा बुढ़ियों के नाम पे कोई और जो है इस तरीके की गलत हरकत करे। इसीलिए आज मैं खासतौर से हमारे मीडिया वालों को बुला के ये डिक्लेयर करने के लिए मैं क्लिप जो है निकाला हूँ, दे रहा हूँ इंटरव्यू कि मेरा शिफाउल्लाह ओल्डेज होम की जो बात कर रहा हूँ, मेरे अलावा ना कोई पार्टनर है, ना मेरा सगा बड़ा भाई है, कभी मेरे ओल्ड एज में कभी नहीं आते, मेरा छोटा भाई है कभी नहीं आते, मैं अकेला, मैं मेरी बीवी ये खिदमत कर लेते चल रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है तमाम जो भी ये क्लिप देख रहे हैं कि शिफाउल्लाह के नाम पे किसी को कोई जो है डोनेशन मत दीजिए। मैं कभी तो नहीं मंगा लेकिन आज ज़रूरत है ये खिदमत के लिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल बंद कर दिया। अगर आप लोग को मुनासिब समझ में आ रहा है तो आप खुद आइए, ये लोग से मिलिए, क्योंकि बूढ़ा बुढ़ियों की बीमार की अयादत का भी अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा अजर रखे हैं अल्लाह अकबर। और एक चीज़ जो है इनसे कोई मिलता है तो इनको जीने का मकसद समझ में आता, इनकी हिम्मत अफजाई हो जाती। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप खुद जो है तशरीफ लाइए, आप अगर कहीं दूर है नहीं आ सके तो आपके रिलेशन के किसी को भिजाइए, वो भी नहीं है तो दोस्त अहबाब में भिजाइए, बाहर खुद आइए, खुद जो है देखिए इनकी मिजाज पुरसी कीजिए और जो बेहतर कर सकते हैं अल्लाह अगर आपको इस काबिल बनाया है तो बराबर कीजिए। मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये उम्मत मोहम्मदिया की बूढ़ा बुढ़िया हैं, इनके ऊपर आपका हक है, आपके ऊपर इनका हक है। ये हमारी वालदेन भी नहीं, दादा दादी की उम्र के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तहज्जुद गुजार है, कोई जो है वजू पे वजू करते हैं, कोई मेंटली है, कोई असरात वाले है, कोई चरस अफीम में पड़े वाले है, कोई शराबी है, बारह में बस कमसन कंडीशन नहीं है, हर एक की खिदमत होती है और अल्लाह शिफा भी दे रहा है। आपका आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे नाज़रीन को बताइए जो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। बिल्कुल, ये शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम बहादुरपुरा जू पार्क के आगे हसन नगर है, हसन नगर में इंटर लेते ही 3 मंजिला बिल्डिंग है शिफाउल्लाह नर्सिंग होम। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9133799791 9133799791 और एक नंबर 9392478622 दोनों भी नंबर मेरे एक्टिव मेरे पास ही रहते हैं, आप जैसा मुनासिब समझे। कुछ आपका बैंक अकाउंट नंबर जो आ नहीं सकते आपको जो है? हाँ, मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर है, ओल्ड एज का भी अकाउंट है लेकिन वो FTR परमिशन नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आपका फोन नंबर पर्सनल है, आप फोन पे कॉल करके मेरा अकाउंट नंबर ले सकते हैं, इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह।
यहाँ पर क्या आराम है? यहाँ पे तो हमको आए हुए दो तीन महीने हो गए, पहले दिन से हमको ऐसा लगा कि हमको यानी एक मुकद्दस हस्ती से मुलाकात हो गई और ये हमको अपने सरपरस्तों की जैसा जानते हैं। और हम पहली दफ़ा जब आए तो हम बिल्कुल ज़ीरो थे, हम बगैर माँ बाप के बगैर बच्चों के माँ बाप है तो हम कुछ भी नहीं है बोले तो डॉक्टर साहब बोले रह सकते हैं, अब मेरे इतने सब कामों में आप दो आदमी मियाँ बीवी रह सकते हैं, उसमें कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं है। तो क्या नाम साहब आपका? मोहम्मद इसहाक मेरा नाम है। मैंने मैं चिलाखड़ी गली आईबेट में पैदा हुआ, कोई बुरी आदत नहीं है, मैं वेट लिफ्टर हूँ अभी भी। आज मेरा हाथ देख के फिटनेस बता सकते हैं कि आप कि मेरा फिटनेस कैसा? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आकत है आप। 77 ईयर्स माशाल्लाह। और अपने मैं मेरी बॉडी का कंट्रोल मेरे पास, मैं बॉडी का कंट्रोल में नहीं हूँ, मतलब यानी मैं कोई बुरी चीज़ चाय सिगरेट ये वो पहले दिन से अब तक इस्तेमाल नहीं किया। और ना तो मेरे पहले से अब तक बीपी है ना शुगर है। मैं बाहर से आ गया था आने के बाद। बाहर कौन से मुल्क में थे आप? अब मैं कुवैत में था सर, सद्दाम हुसैन के टाइम में आ गया था। अच्छा। आने के बाद में बहुत से पहले 5 साल अच्छा ज़िंदगी गुजरी, फिर उसके बाद में तेलंगाना आंध्रा बोल के इनका बिजनेस पूरा बैठ गया सर। फिर उसके बाद में हम जितनी कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से करें, जब हमारा जीरो बैलेंस हो गया तो हम साहब का पता मालूम करके हमारे शादी डॉक्टर शादी साहब के पास पहुँचे, तो उससे हमको बहुत बड़ा फायदा पहुँचा। आज हम कुछ रोजे भी हैं पूरे रोजे हैं, तरावी चल रही है, ये मेरे लिए ये मेरे क्या है गाइडेंस है मेरे। तो मैं इनको पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम लोग उमरा आने वाले ज़माने में उमरा जाने का ख्याल है। माशाल्लाह। और क्या है मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है सर। माशाल्लाह जी। अच्छा, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और मैं सर खास ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैसा खिदमत हो रही है? यहाँ पर तो आप पूछो बस, जैसा घर वैसा ही पूरा हमको, जैसे जिसकी सहूलत है वैसा फूट देते। मतलब आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि आप घर में नहीं है कहीं हॉस्टल में, ऐसा महसूस नहीं हो? मतलब घर जैसी सहूलत है यहाँ? बिल्कुल घर जैसी सहूलत है, शहरी को भी आके उठा देते हैं। नहीं, आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं या कैमरे के सामने ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, हमको मर के जवाब देना है जी। हाँ, हमको मर के हर बात का जवाब देना है सर। कैमरे के सामने हमारे को ऐसा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो रोज रोशन की तरह हर चीज रोशन है। जो पहले खुद डॉक्टर साहब अपने हिसाब से करते थे, अब पब्लिक से कर रहे तो वो पूरा मीडिया डॉक्टर साहब को ये कर रहा है, फेवर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सच न्यूज से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तियाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891